हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर बेसिकली टेरा क्लासिक के ऊपर क्या कुछ न्यूज एंड अपडेट है जिसके ऊपर बात करेंगे। एंड अभी के टाइम पे अगर प्राइस को देखेंगे तो लगभग 67 की सीरीज तक यहाँ पे एक बड़ा पंपिंग हम लोग को देखने को मिला है। वो क्यों देखने को मिला है जिसके ऊपर लास्ट वीडियो के अंदर भी हमने अपडेट दिया था। क्रिप्टो मार्केट की बात करें तो यहाँ पे मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत जो है ग्रीन हम लोग को देखने को मिला है। एंड यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बताना चाहूंगा थोड़ा थोड़ा जो है मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं एक पॉजिटिवनेस जो है मार्केट की ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट के अंदर हम लोग को देखने को मिला है। एंड वो इसीलिए फ्रेंड्स, यहां पे अगर आप लोग देखेंगे तो मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं जो ETF को लेके यहां पे US लॉ मेकर अपग्रेड, यहां पे SEC चेयर जो ग्रे गेंसलर है उनको जो है यहां पे स्पॉट बिटकॉइन की जो ETF था उसको जो है 1/1 ये लोग अप्रूव करने के लिए जा रहे हैं। एंड ये न्यूज की वजह से जो है मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं जो है एक पॉजिटिवनेस आएगा। एंड यहां पे देखें, जैसे आप लोग को पता है यहां से लगभग 5 डेज पहले से मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव न्यूज जो है हम लोग को देखने को मिला है। एंड उसी का नतीजा जो है आप लोग को आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर मार्केट कहीं ना कहीं जो है एक बुल ट्रैप के अंदर जाता हुआ आप लोग को देखने को मिलेगा। एंड ओवरऑल अभी के टाइम पे अगर ऑल्ट कॉइन के अंदर आप लोग का एंट्री है, वेल एंड गुड। एंड यहां से जो है एक रैली आप लोग को जरूर देखने को मिलेगा। ओवरऑल अभी के टाइम पे जो क्रिप्टो मार्केट है, एंड अभी जो है मार्केट कैप अगर आप लोग देखेंगे 1.05 ट्रिलियन तक यहाँ पे मार्केट कैप थोड़ा बहुत जो है ग्रीन कंडीशन के अंदर आ चुका है। तो मार्केट के अंदर ओवरऑल अभी के टाइम पे एक पॉजिटिव साइन हम लोग को ऑल्ट मार्केट के अंदर एंड बिटकॉइन के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे LUNC, तो LUNC के ऊपर एक अच्छा खासा पंपिंग हम लोग को देखने को मिला है। एंड यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बताना चाहूंगा दिस टेरा क्लासिक प्रपोजल सेंड $1। तो बेसिकली जो पिछले वीडियो था जिसके अंदर हमने बात किया था कि कहीं ना कहीं जो है एक रिपेक की सिस्टम ये लोग कर रहे हैं, एंड उसके ऊपर जो है इनका वार कभी के टाइम पे चल रहा है। September 14 से जो है इसके ऊपर यहाँ पे काम चलना शुरू हो चुका है। नेक्स्ट अगर अभी के टाइम पे अगर आप लोग देखेंगे एक अच्छा खासा स्पाइक हम लोग को देखने को मिला है। एंड यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे स्टेक बीन के ऊपर, यहाँ से जो है लगभग 100 मिलियन से एबव टोकन जो है यहाँ पे थोड़ा सा बर्निंग हुआ है। एंड जिसकी वजह से यहाँ पे कहीं ना कहीं एक सर्चेज जो है मार्केट के ऊपर देखने को मिला है। USDC को अगर अभी के टाइम पे भी देखेंगे उसके ऊपर भी एक अच्छा खासा स्टेकिंग के ऊपर भी अगर आप लोग देखेंगे तो लगभग 15% तक स्टेकिंग भी यहाँ पे आ चुका है। तो मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं एक जो USDC रिपेक की बात ये लोग कर रहे हैं, एंड उसके ऊपर जो है कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव न्यूज हम लोग को देखने को मिल रहा है अभी के टाइम पे। नेक्स्ट अभी के टाइम पे अगर न्यूज एंड अपडेट की बात करें, जो यहाँ पे जो कम्युनिटी है जो डेवलपर है उनके ऊपर यहाँ पे बातचीत हो रहा है। एंड उसके ऊपर थोड़ा बहुत अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, बेसिकली जो लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात किया था डेव प्रोटोकॉल जो है ये थोड़ा सा सपोर्ट नहीं कर रहा था, एंड ये कुछ अल्टरनेटिव जो है प्लान कर रहे थे। एंड यहाँ पे बेसिकली बात करें MMM प्रपोजल एंड फॉर दैट ट्रूली अपोलोजी, तो यहाँ पे बेसिकली MMM प्रपोजल जो है इनके ऊपर यहाँ पे पास हो चुका है। एंड बेसिकली बात करें यहाँ पे बिगेस्ट बुलिस्टर LUNC USDT रिपेक स्टोरी, तो बेसिकली जो स्टोरी यहाँ पे बनाया गया है LUNC USDT को रिपेक करने के लिए, एंड ये बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे काम करेगा इनका डेवलपर का ये बोलना है। एंड यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे सच इज द होल पॉइंट LUNC गिव ए पावर बैक ऑन द पीपुल, तो बेसिकली इसकी जो कम्युनिटी है वो अभी के टाइम पे इसके ऊपर थोड़ा बहुत जो है बहुत ही अच्छा खासा फोकस यहाँ पे कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर एक न्यूज की बात करें जिसके ऊपर थोड़ा बहुत जो है कंसर्न हम लोग को यहाँ पे लग रहा है, एंड देखिए बेसिकली अगर आप लोग बात करें इस डेव को प्रोटोकॉल के बारे में, इन्होंने जो है यहाँ पे रिवल किया था, तो बेसिकली इनका ये बोलना है कि टेरा क्लासिक जो है 99.9% जो है सप्लाई यहाँ पे बर्निंग अगर होगा तो यहाँ से जो है $1 जाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे USDT को रिपेक करना पड़ेगा, तो जिसके ऊपर ये लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। एंड अभी तक अगर आप लोग देखेंगे 15% जैसे हमने बताया कि स्टेकिंग के ऊपर भी यहाँ पे आ चुका है। तो धीरे धीरे जो है इस आर्टिकल को अगर आप लोग पढ़ेंगे तो मेरे ट्विटर हैंडल के ऊपर जाएंगे तो इसकी जो डिटेल्स है आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जिसके ऊपर मैं रिट्वीट कर दूंगा तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत इसके ऊपर पूरा डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली इन्होंने जो है रिपेक के सिस्टम के बारे में बताया है। देखिए ओवरऑल अभी के टाइम पे अगर प्राइस की बात करें, एंड जिसके ऊपर हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी आप लोग के साथ में डिस्कशन किया था कि एक बॉटम जोन के अंदर LUNC यहाँ पे आ चुका है, एंड उसके बाद में यहाँ पे एक पंपिंग हम लोग को देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पे जो मेजर रेजिस्टेंस जोन है हम लोग इसको मान के चल रहे हैं 0.4073 की सीरीज, एंड इसको अगर यहाँ पे ब्रेक करता है ये जो जोन है, अगर यहाँ से ब्रेकआउट एक हम लोग को देखने को मिलता है तो नेक्स्ट जो जोन है हम लोग को यहाँ पे लगभग 0.4095 की सीरीज के अंदर देखने को मिलेगा, हो सकता है 10 किल्ड भी हो जाए। एंड जैसे हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि अगर इनका रिपेक यहाँ पे सपोर्ट करता है एंड बाइनांस यहाँ पे थोड़ा बहुत सपोर्ट करता है इसको, तो ये एक अच्छा खासा प्राइस के अंदर
गेन कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, यहाँ पे ये बात भी बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो है एलिवेंसी को 800 मिलियन लगभग यहाँ पे बर्निंग करने की प्रपोजल जो है ये लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि बाइनांस यहाँ पे 8 मिलियन जो है USDC को यहाँ पे बर्न कर दे। तो अगर ऐसा होता है तो प्राइस के अंदर ऑब्वियसली यहाँ पे एक जंप देखने को मिलेगा, लेकिन इतना हम लोग यहाँ पे सोच नहीं सकते कि इतना जल्दी जो है इसका ऊपर इतना इफेक्ट हम लोग को देखने को मिलेगा। ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे मान के चले 10 किल्ड करता हुआ हम लोग को देखने को मिल सकता है अभी के टाइम पे जो सिचुएशन मार्केट के ऊपर देखने को मिल रहा है एंड लूना सी की कम्युनिटी के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए अगर आप लोग यहाँ पे पहले से होल्ड कर रहे हैं तो आप लोग एक टारगेट लेके यहाँ पे चल सकते हैं, एंड अगर थोड़ा सा बुलन तक आप लोग होल्ड करना चाहे तो यहाँ पे भी होल्ड कर सकते। तो फ्रेंड्स ये था कुछ अपडेट एलयूएनसी के ऊपर, तो जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा सर्चिंग देखने को मिला है, एंड यहाँ पे बाइनांस जो है इसको सपोर्ट करना चाहिए तभी जो है इसके ऊपर एक बड़ा हाइप हम लोग को देखने को मिल सकता है। ओवरऑल छोटा मोटा पंप एंड डंप तो इसके अंदर चलता ही रहता है, ओवरऑल बॉटम के अंदर है। अगर आप लोग चाहे तो थोड़ा बहुत भी एंट्री ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स।